दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की पाबंदी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई, साथ काम के लिए तैयार है मैथ्यू मिलर। 9 मई के जिम्मेदारान को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर इजहार खैर किया गया। मफाद परस्त अनासर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। फॉर्म का मरकज और सूबों में खुददार की जमहूरी दास में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। दहशतगर्दी और अस्करी पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कोर कमांडर्स को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवायद को मुस्तहकम करने की हिदायत। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी, फॉरम का आजम। आर्मी चीफ के फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मियार को बरकरार रखने की हिदायत। फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फोरम का कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार। शुरका का फलस्तीनी आवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गाजा में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराम की मजम्मत। फलस्तीनी आवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती इखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। हम मसले फलस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। मुल्क की माशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR समेत आला हुकाम की शिरकत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असलाहत और टैक्स अमूर ज़ेर बहस। साबिक निगरान हुकूमत के FBR के तंजीमी नो से मुतालिक रिपोर्ट का भी जायजा। वज़ीर आज़म ने माशी निज़ाम की असलाह, हुकूमत अखराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब कर दी। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। FBR के डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। वजारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से काम करेगी। फौज भरपूर मुआवनत करेगी, खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुनी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशस्तें दीगर जमातों में बांट दी। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 2-2 नशस्तें आईं। KP से अकलियतों की मखसूस नशस्तों में से नून लीग, PP और JGY को 1-1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशस्तें पीपल्स पार्टी 1 मुस्लिम लीग नून को मिल गई। पंजाब से अकलियतों की नशस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशस्त मिली। KP असम्बली में खवातीन की 20 मखसूस नशस्तें अलॉट। JUY को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशस्तें मिली। ANP और PTIP के हिस्से में 1-1 नशस्त आई। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। मखसूस नशस्तों की अलाटमेंट के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी। नून लीग 123 नशस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीतीं। नून आज़ाद शामिल हुए। 34 खवातीन, 5 अकलियतों की नशस्तें मिली। कौमी असम्बली में सुनी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 73 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशस्तें जीतीं। खवातीन की 16, अकलियतों की 3 नशस्तें मिली। कौमी असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुतहिदा को 17 जनरल, 4 खवातीन, 1 अकलियतों की नशस्त मिली। कौमी असम्बली में JGY के अरकान की तादाद 11 हो गई। JGY ने 6 जनरल, 4 खवातीन और अकलियतों की 1 नशस्त हासिल की। शहबाज शरीफ की टीम में कौन कौन शामिल, वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। सेनेटर इसहाक डार वजीर खजाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला। एहसन इकबाल वजीर दाखिला, अता तारट को वजीर इतलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का खलमदान सौंपने का इम्कान।
सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को कैट की वजारत देने पर गौर, आईटी का कलमदान अनुशा रहमान को मिलने का इम्कान, आबिद शेर अली को मशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर करने का इम्कान, इसहाक डार को भी अहम जिम्मेदारी देने पर मुशावरत, 46 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। अमेरिका के पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों की मुखालिफत, तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं दुनिया भर के तनहा पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते रहेंगे। एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादियों के हवाले से जोर देते रहेंगे, इंतखाबात में बेजाबतियों की मुकम्मल तहकीकात होती देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में मसाबकती इलेक्शन हुए जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज़ सुनाई, पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने पर तैयार हैं। मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, बारिशों से मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा लिया, हुकाम के सैलाब मुतासरीन में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म की बारिश से मुतासर खानदानों से मुलाकात, अहवाल दरियाफ्त किया और मसाइल सुने, वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी भी हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया, आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं, मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पहली फुर्सत में गवादर हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, मुतासरा मवाद सिलाती ढांचे की बहाली और निजी अमलाक के नुकसानात के तफसीली जायजे पर जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कल से इंशाल्लाह 7,000 बैग डेली यहां पर बलूचिस्तान में आएंगे, हम इंशाल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। मुतासरीन के हर मुमकिन मदद करेंगे, नुकसान का अजाला करेंगे। गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई, बलूचिस्तान में बारिशों से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, यकीन दिलाता हूँ इस खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी, इमदाद देना आपके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं, ये दो मुंतखब हुकूमत का फर्ज है। मुतासर इलाकों में रोजाना खुराक के 7,000 बैग तकसीम किए जाएंगे, जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उनको 7.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जज्वी तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन को 3.5 लाख रुपये देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया, आसिफ जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा, पीपी के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल हो गई। अरकान के बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग, पीपी चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद खामर शामिल, अरकान की पार्टी क़यादत से सदारती इलेक्शन से मुतालिक तफसीली मुशावरत। सदारत का हमा किस के सर सजेगा, आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में 1-on-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाये कर दी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने आसिफ जरदारी की हमायत का ऐलान कर दिया, चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी से हुकूमती मुजाकराती वफद की मुलाकात, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमती उम्मीदवार की हमायत की यकीन दहानी करा दी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रबता, महमूद खान अचकजई की लियाकत बलोच से सदारती इंतखाब के लिए हमायत की दरख्वास्त, MQM सदारती इंतखाब में किसको वोट देगी, खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास, MQM सदारती इंतखाब से मुतालिक कोई फैसला ना कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात, शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और देख ख्वाहिशात का इजहार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदाए बुजुर्ग को बरतर और आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का एक और मौका दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म नून लीग और इत्तेहादियों के एजाज में जुमेरात को इशाया देंगे, दावतनामे अरसाल।
पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान सूबाई वजरा से हल्फ लेंगे। पंजाब काबीना में 25 वजरा और मुआवनी ने खसूसी हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 2 अलग दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर। महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल ने दरख्वास्तें दायर की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने के इस्तदा। मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल से दूर रखा गया। मखसूस टोले का पार्टी पर कब्जा है। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अकबर एसबाबर की मीडिया से गुफ्तगु। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं, अपने सूबे का हक लेने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़ियात पर जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। ऐसा निज़ाम लाएंगे कोई किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगु। और खैबर पख्तूनख्वा के 12 मुजवजा काबीना अरकान का नाम सामने आ गया। मुश्ताक खानी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मुशीर खजाना बनाने की तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, मलिक लियाकत अली, हुमायूं खान, फजल शकूर खान का नाम काबीना में शामिल। शकील अहमद, खलीकुल रहमान, फैसल तरखई, तारिक महमूद, आरिफ अहमद, मीना आफरीदी भी हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नाम आज फाइनल होने का इम्कान है।